भाजपा ने सोमवार को सोनिया गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने कर्नाटक में दिए उनके एक बयान को लेकर यह कदम उठाया है। सोनिया ने रविवार को कहा था कि कांग्रेस कर्नाटक की साख, संप्रभुता और अखंडता पर आंच नहीं आने देगी। इस बयान को लेकर शोभा करण लाजे ने इस बयान को चौंकाने वाला और अमान्य बताया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। उन्होंने ईसी से अपील की कि सोनिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कहा कि वो कर्नाटक की संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं। जब कोई देश आज़ाद हो जाता है तो उसे संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटक को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होना है। आज प्रचार का आखिरी दिन है। प्रियंका गांधी ने विजयनगर में रोड शो निकाला। इसी के साथ प्रियंका ने चुनाव प्रचार अभियान का समापन किया। वहीं राहुल गांधी ने वर्किंग महिलाओं के साथ बस में सवारी की और बस स्टॉप पर कॉलेज स्टूडेंट के साथ बातचीत की और सेल्फी खिंचवाई। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।